हेलो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड आज हम करेंगे चैप्टर टू के हॉट्स क्वेश्चंस। इफ़ फायर क्रैकर्स आर बर्स्ट दे काजेज टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन व्हाट आर दे कि अगर हम बम पटाके जलाते हैं पर बर्स्ट मतलब जलाना ठीक है बर्स्ट दे कॉज टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन उनसे दो टाइप का पॉल्यूशन कौन कौन सा होता है वो बताना है बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स गिव इट आउट हीट उसमें से हीट निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एंड मैनी अदर हार्मफुल गैसेस और बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं इन द एयर विच कॉज़ एयर पॉल्यूशन एयर में निकलती है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है ऑन द अदर हैंड इन केसेस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन और बहुत नॉइस पॉल्यूशन भी होता है दैट कैन बी डैमेज टू हेयरिंग और मतलब कभी कबार तो इतना ज़्यादा होता है कि जिससे सुनाई भी ना दे सके कान खराब हो सके हेयरिंग मीन्स सुनने में प्रॉब्लम हो क्वेश्चन टू है हमारा वट डज़ द साइन गिवन अलोंग साइड सिग्नीफाई वेयर इट इज साइन यूजली फाउंड कि हमें साइन कौन सा देखने को मिलता है साइड्स में और फिर कहाँ में देखने को मिलता है देयर आर अ साइलेंस जोन कि ये एक साइलेंट जोन है वेयर हैंकिंग इज़ पनिशेबल कंप्लीट कि मतलब यहाँ पे हॉर्न बजाना पनिशेबल है पनिश मिलती है लाइक नियर हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल के नियर स्कूल्स के नियर दिस साइन डायरेक्टेड ड्राइव टू रिस्पेक्ट द साइलेंस जोन की मतलब ये साइन बताता है कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए साइलेंस जोन की एंड नॉट यूज़ हॉर्न और हॉर्न को नहीं यूज करना चाहिए साइन कौन सा है ये वाला है जिसके नीचे लिखा होता है नॉट सॉरी नो हॉकिंग क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर एनवायरमेंट इंडस्ट्री सॉरी जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि हमें क्या करना चाहिए प्रोटेक्ट करना चाहिए कंजर्व कंजर्व मीन बचाना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को इंसा इस आंसर को जस्टिफाई कैसे करेंगे वी शुड ट्राई टू मेंटेन मिनिमाइज पॉल्यूशंस टू सेव आवर एन्वायरमेंट कि हमें पॉल्यूशन मिनिमाइज़ कम कर देना चाहिए छोटा कर देना चाहिए सम वे टू रिड्यूसिंग पॉल्यूशन आर गिवन बिलो कि और कौन कौन से वे हैं जैसे रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन बाई यूजिंग व्हीकल्स ओनली वेन नीडेड एंड वॉकिंग और साइकिलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस की हमें रिड्यूस करना चाहिए एयर पोल्यूशन को ना करने के लिए हमें व्हीकल्स का यूज़ जब बहुत नीट हो तब करना चाहिए अदरवाइज़ हमें वॉकिंग और साइकिलिंग करनी चाहिए शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए सेकंड है प्लांटिंग मोर ट्रीज और रिड्यूस रिड्यूस एयर पोल्यूशन की ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटिंग करनी चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन ना हो गेट प्योर एयर टू ब्रीथ हमें प्योर एयर मिले ब्रीथ सांस लेने के लिए एंड टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन और जिससे मिट्टी भी खराब नहीं होगी थर्ड है यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स एंड नेचुरल नेचुरल फर्टिलाइजेशन इन फील्ड कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर्स ऐसी चीजें करनी ची, चाहिए जिससे नेचुरल फर्टिलाइजर हो फील्ड अच्छी हो ठीक है जिससे नुकसान ना हो गाइज आपको और भी किसी बुक का सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आपको जो बुक आप नहीं ले पा रहे हो आप उसकी फ्रंट और बैक की फ़ोटो मुझे मेल कर सकते हैं थैंक यू बाय बाय